में बॉबी झा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बांग्लादेश ने 2019 विश्व कप के लिए किया टीम का ऐलान, देखिए पूरी लिस्ट। टीम इंडिया के बाद अब बांग्लादेश ने 2019 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश ने मशरफत मुर्तजा को कप्तान बनाया है, वही अनुभवी ऑलराउंडर शकीब अल हसन की टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इसके अलावा विश्व कप के लिए लिटिल दास, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान और सौम्य सरकार भी जगह हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बल्लेबाजी ऑलराउंडर में मोसादेक हुसैन और अबू जायद को भी विश्व कप के लिए मौका दिया गया है। महमूदुल्ला के रूप में अनुभवी खिलाड़ी मौजूद है, वहीं युवाओं का पर्याप्त संतुलन भी है। जायद अब तक टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन 50 ओवर में उन्हें अपना पहला मैच खेलना बाकी है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विश्व कप के लिए टीमों की घोषणा की अंतिम तारीख 23 अप्रैल रखी है। अब तक न्यूजीलैंड टीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने विश्व कप स्क्वाड की घोषणा कर दी है। आंधी तूफान से 31 की मौत, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में मचा हाहाकार। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान शुरू है। इस दौरान मंगलवार को आई तेज आंधी और बारिश ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में भारी तबाही मचाई है। मौसम ने करवाहट बदली है। मध्य प्रदेश में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश और तूफान से 6 लोग की मौत हो गई है।